सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आते हैं आपके लिए शहर की हर वो खबर जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो फिर आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको ये खबर। मेयर पद के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय गोयत ने आज अपने समर्थकों के साथ सूर्यनगर, कैंट व शहर के अन्य स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान धनंजय गोयत ने बताया कि सूर्यनगर गली नंबर 8 के निवासियों ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। उनकी कोशिश है कि शहर के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का वो दौरा कर सकें और जनता से मिलकर उन्हें वोट देने की अपील कर सकें। उन्होंने कहा कि हिसार नगर निगम मेयर पद का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और किसी जाति विशेष का चुनाव न होकर जनता का चुनाव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा खुद चुनाव प्रचार में उतरने व अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने को उन्होंने बीजेपी की घबराहट बताया। हाँ जी, आज अंतिम दिन है प्रचार का, तो क्या अभियान है अभी आज का? सर, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज अंतिम दिन के हिसाब से हम अपनी टीम को कई अलग अलग जगह में हमने डिवाइड कर रखा है। कुछ भाई हमारी ऑटो मार्केट की तरफ गए हुए हैं, कुछ आजाद नगर अभी कर रहे हैं, कैंट में भी हमारी टीम लगी हुई है। तो सभी साथी जैसे भी आज जिनको भी हमने जो संदेश पहुंचाया ये है कि सभी के सभी आज फैल जाएं। नहीं तो अभी तक हम कोशिश करते थे कि इकट्ठा रहें, कहीं भी जाएं, मिलकर सभी लोगों से बात करें, लेकिन आज 5 बजे तक कहीं जैसे आज हम प्रचार कर सकते हैं, माइक वगैरह उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम कवर कर पाएँ और अपनी बात जनता के आगे पहुँचा पाएँ कि वो हमें समर्थन दे। जैसे गली नंबर 8 ने हमारा सहायता करने का जो अभी प्रण लिया है, उसी तरह हमें और भी लोग मिल रहे हैं। कैंट के अंदर हमें काफ़ी सफलता मिली है, तो इसी में हम लगे हुए हैं कि 5 बजे तक हम ऑलमोस्ट सारा हिसार कवर कर पाएंगे और सभी लोगों को अपने वोट के लिए अपील कर पाएंगे और करेंगे। आपको नहीं लगता कि जातीय समीकरण पे ये चुनाव आधारित हो गया है, इस पे क्या कहना? सर, जातीय समीकरण मैं इससे नहीं कहूँगा। बीजेपी के जितने भी बड़े कद्दावर नेता हिसार में आए हुए हैं, उन लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट है, कोई ना कोई उन लोगों को कमी लग रही है कि उनके कैंडिडेट हल्का है या कुछ दिन पहले ही पार्टी के अंदर आया हुआ है। बीजेपी का जहां तक मैं समझता हूं, अंदरूनी जो पुराने बड़े कार्यकर्ता थे वो लोग भी इस कारण से थोड़ा पीछे हट रहे हैं कि भाई एक दिन पहले, महीना पहले आए बंदे को अगर मेयर की टिकट दे दी जाए। मेयर की टिकट कोई छोटी टिकट नहीं है सर, MLA से बड़ा इलाका आ जाता है और उसके लिए भी कोई बाहर से अगर कोई हमें इम्पोर्ट करना पड़े बंदा, तो इसी कारण मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो इसीलिए लगे हुए हैं कि उनकी कुछ छवि को सुधारा जाए और जनता को कुछ समझाया जाए कि सारी बीजेपी इकट्ठी है, बट अंदरूनी रूप से सारी जनता जानती है कि उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेगी, बट ये पीछे से यानी यूं लगा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित जिसको हम कैंडिडेट कहेंगे वो दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के आपको भी पता है कि हिसार के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता थे जिनको मौका दिया जा सकता था, जिन्होंने 15-15, 20-20 साल कांग्रेस सरकार पार्टी की सेवा करने के लिए, उसे उभारने के लिए लगाया, बट उन लोगों की भी अनदेखी की गई है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो ये प्रत्याशी हैं, सो कॉल्ड प्रत्याशी, अभी तक पूरी तरह भाई हाथ का निशान इनके साथ नहीं है, तो जो भी ये प्रत्याशी उन्हें कांग्रेस बता रही है या वो खुद अपने आप को समर्थित बता रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का भय है कि जो उनके जो अंदरूनी कांग्रेस की जो फूट है वो उन्हें कहीं ना कहीं जरूर पीछे लेके जाएगी। और हम जैसे कि आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मैं इस चुनाव के अंदर आया हूं और मैं सभी भाइयों से यही अपील कर रहा हूं कि कृपया करके जो दल बदलू कैंडिडेट हैं, जो मौका देखकर चौंका मारने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को सबक सिखाइए और आपके बीच एक रहने वाले आम नागरिक को विजयी बनाएं और उसे आपकी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। वहीं धनंजय गोयत के समर्थकों ने भी हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शहर की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसे देखते हुए मेयर पद के लिए धनंजय गोयत की जीत निश्चित है। अभी हम लोग हैं सूर्यनगर गली नंबर 8 में, जो कि मेयर पद के प्रत्याशी हैं धनंजय गोयत, उनके समर्थन में कुछ लोग आए हैं सूर्यनगर के गली नंबर 8 के, उनसे बात करते हैं। गोयत जी को हम भारी मतों से, वोटों से जिताएंगे और पूरा सपोर्ट हमारा उनकी तरफ, और कॉलोनी वासी हमारे साथ हैं और सब उनके साथ रहेंगे। आप कैसे जुड़े हैं, क्या लगा आपको? हमारा जुड़ाव बहुत अच्छे आदमी हैं, मिले हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, भाईचारा है सबसे बड़ी बात तो, और आगे रहते हैं सबसे। युवा भाई हैं जी, सभी युवा भाई धनंजय गोयत भाई के साथ हैं और बहुत ही बढ़िया छवि के नेता हैं, आने वाले नेता हैं और सबसे मिलजुल कर चलते हैं। सभी का निशान है भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मेयर पद में बहुत से खड़े हैं,
लेकिन जिस हिसाब से छवि देखें या हमारे सुख दुख में खुशी में सभी में शामिल होने वाले भाई धनंजय गोयत है वो है, हम तहे दिल से उनका सपोर्ट करते हैं और वोट देते हैं। यहाँ पर कोई मेयर वोट मांगने नहीं आते जल्दी ही, और ना ही कोई बाद में दिखता है, और ना ही कोई नेता आता है। यहाँ पर गलियों में विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। सबको देखा बारी बारी, अब की बारी युवा की बारी। हमने मतलब आज से पहले बड़े बड़े नेताओं को देखा, सबको देखा, लेकिन वही बात है, वोट से पहले कुछ और होता है, वोट के बाद कुछ और होता है। लेकिन अब की बार हमने हमारे युवा भाई जो कि धनंजय गोयत है, उनको हमने अपने समर्थन से चुना है और उनको हम अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारी यही इच्छा है कि हमसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका सपोर्ट करेंगे और इनको विजय बनाएंगे तो हमारा उसमें फ़ायदा रहेगा। सभी भाइयों का यहाँ आज हम गली नंबर 8 में हैं। ये भाई यहाँ अलग अलग गलियों से हैं और सभी एक एक गली में अपना वादा कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वोट देंगे, जिताएंगे भाई को। और इनका सबका कहना यही है कि आज तक यहाँ मेयर वोट मांगने ही नहीं आए तो वो बाद में क्या आएंगे, जो कि धनंजय भाई यहाँ इनसे लगातार जुड़े रहे हैं और आगे भी उन्होंने इनसे जुड़े रहने का वादा किया है। और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते ये भाई हमारे साथ हैं और इन्होंने अभी कैंट में भी अगला हम प्रोग्राम अभी कैंट में करने जा रहे हैं, वहाँ की कॉलोनी से काफ़ी भाई आए हैं। तो सभी का यहाँ से सूर्यनगर से और कैंट में हमें भारी साथ मिल रहा है भाइयों का, और यही हमारे जीत का कारण बनेंगे और इन भाइयों को हमेशा याद रखेंगे। सिटी बिग न्यूज़ की तमाम खबरों के लिए आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं सिटी बिग न्यूज़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को, और जुड़े रह सकते हैं हर वक्त अपने शहर की हर ताज़ा तरीन खबर के साथ। तो अब लोकेश को दीजिए इजाज़त, लेकिन याद रखिए हमारी नज़र शहर भर की खबर। नमस्कार।